हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आपका जो तैयारी है वो किस तरह चल रही है। और इस वीडियो के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आपको कमेंट में बताना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो उसके भी आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, संसद की चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है। कितना कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोटल 7, ठीक है। कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोटल 7। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चावल, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि संकलम परियोजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी, जो संकलम परियोजना है वो किस उद्देश्य के लिए शुरुआत की गई थी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्स उन्मूलन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्स उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन क्या है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिपेरिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिपेरिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1973 में, ठीक है। 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेपाली, ठीक है, नेपाली भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, जो हमारा राजध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3:2, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3:2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे, निम्न में से
किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा देश मतलब शामिल है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बी सी। ठीक है, ये तीनों आपका यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? जो जापान में मुद्रा चलती है तो उसका नाम आपको बताना है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, येन। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? जो ओलंपिक खेल होता है वो कितने सालों के अंतराल में खेला जाता है, मतलब कितने साल के बाद खेला जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष होते हैं उसके पद को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडमिरल। ठीक है, क्या कहा जाता है, एडमिरल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, शिव थापा किस खेल से संबंधित है? ठीक है, शिव थापा किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है कि G8 क्या है? G8 क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8 विकसित देशों का संगठन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8 विकसित देशों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, वो किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम। ठीक है, रैम को आपका मुख्य मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? ठीक है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बाई वाइड वेब, WWW। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, USB क्या है? मतलब यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो USB होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? क्वेश्चन क्या है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CPU। जो आपका CPU होता है वो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर आया है उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपलब्ध नहीं है। चारों ऑप्शन देख के आपको बताना है वो कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात ट्यूब। जो निर्वात ट्यूब है वो आपका पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, कहाँ बनी थी, तो ये आपका केरल में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2011-12। ठीक है, 2011-12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आशय क्या है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आशय क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 9.46 × 10^15 m। ठीक है, 9.46 × 10^15 m। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो देखिए जो न्यूटन का आपका प्रथम नियम होता है, तो उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका उत्पाद बनता है उसे हम लोग मूल रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नहीं है बताना है। तो देखिए दूध का स्कंदन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का चीनी में घुलना, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हम लोग चीनी को फिर से वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पानी का चीनी में घुलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पारा। ठीक है, जो पारा होता है वो आपका सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखना ये एक धातु होता है। अगर इसके जगह आपको अधातु पूछा जाता तो वो आपका कौन सा हो जाता? वो आपका ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है जो एडिज मच्छर होता है उसी को हम लोग टाइगर मच्छर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एडिज मच्छर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है, तो इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, तो इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपघटक। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? ठीक है, तो कौन सा जीव होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो युगलीना होता है उसमें आपका पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर हैं उसे बॉम्बे बॉम्बर उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीनी भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झावेरी बहनों दर्शना नयना रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। ठीक है, कौन से नृत्य? तो ये मणिपुरी से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? जो अल्पना है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आपको आंसर, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।